नमस्कार। आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अब उसका ऑफलाइन चालान कैसे टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो ऑनलाइन में जाके हो जाता है, मैं भी बता देता हूँ वो भी कैसे करते हैं। तो वो बताने के बाद कई लोग, कई बार क्लाइंट या फिर कई बार जो है खुद आप सोचते हैं कि हम अपना बैंक में जाके वहां से अपने बैंक से टैक्स पे करें। हालांकि ऐसा होता है कि आप अकाउंटेंट को या सीए को पेमेंट कर देते हैं, वो आपकी टैक्स भर देता है अपने अकाउंट से या फिर आपको वो चालान दे देता है। तो ये प्रक्रिया होती है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप खुद से चालान अपना पे करें या फिर कैसे वो ऑफलाइन वाला क्रिएट करना पड़ता है, वो आपको सीए ही करके देगा, अकाउंटेंट ही करके दे देगा। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो ऑफलाइन चालान जनरेट करना चाहते हैं और बैंक में जा करके पे करना चाहते हैं, उनके लिए है। यानी कि अगर आपका क्लाइंट या फिर जिसका भी आप काम कर रहे हैं वो कहता है कि मैं खुद अपना टैक्स भरूंगा, पे करूंगा अपने बैंक से, तो उसको चालान निकाल के आपको कैसे देना है ऑफलाइन जमा करने के लिए वो बताऊंगा। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सामने खुला हुआ है। तो चलिए ले चलता हूँ वेबसाइट पे। तो ये जीएसटी की वेबसाइट है, मैंने सारा कुछ डाटा वगैरह कर दिया है। आप अब फिर क्या होता है, जैसे ये मैक पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, तो यहाँ पे यस करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो ये ऑप्शन आने के बाद जैसे ही आप आगे करेंगे, ई पेमेंट करेंगे तो इंटरनेट वाली पेमेंट हो जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो ये इंटरनेट पेमेंट है, ई पेमेंट, इसके बाद बैंक आएगा। बैंक के बाद आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कौन से बैंक से भरना है और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए होती है, इंटरनेट बैंकिंग की उस बैंक को सेलेक्ट करिए जिससे आपको पे करना है, उसके बाद पे कर दीजिए। अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बैंक में जाना है तो कैसे आपको ऑफलाइन चालान जनरेट करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, NEFT पे क्लिक करना है। आपको क्लाइंट से पूछना है कि उनका बैंक कौन सा है और उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं। तो HDFC बैंक हो गया, जनरेट चालान कर दिया मैंने। तो ये देखिए जो चालान है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पे ये चालान आ चुका है। स्क्रीन थोड़ी सी मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि पर्सनल जानकारी क्लाइंट की है तो वो शेयर नहीं कर सकते। तो ये चालान ऐसे हो जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकेंगे, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये डाउनलोड यहाँ से कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको खोल के दिखा देता हूँ चालान। ये देखिए यहाँ पे चालान आ जाएगा, ये चालान आ जाता है। ये चालान आपको पे करना है, यानी कि आपको लेके जाना है ऑफलाइन। इसकी दो कॉपी लगती है, दो कॉपी करके आप ले जाइए और दो कॉपी ले जाने के बाद जमा कर दीजिए अपने बैंक में, वो क्लाइंट को दे दीजिए, वो अपने आप जाके जमा कर देंगे। उनको डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, स्टैंप वगैरह लगानी है, वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो फिलहाल इतना ही, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चैनल बता देता हूँ कौन सा है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी आपको, सीधे NEFT और RTGS वाले कॉलम में क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। अगली वीडियो में जीएसटी से रिलेटेड नॉलेज लेके मिलूंगा आपको। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको नहीं पता है भेजिए उनके पास ये वीडियो। नमस्कार, जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। नमस्कार।